हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। फिल्म थी डमरू, जिसमें आप ये और इंटरनेशनल के फेस्टिवल के लिए भेजे थे या हां नेशनल अवार्ड के लिए जी, तो वहां से रिजेक्ट हो गया। आपको तो रिजेक्ट नहीं हुई है सर, वहां पे क्या होता है, फिल्में रिजेक्ट नहीं होती है। जैसे मानिए अगर रेस में 10 लड़के अगर दौड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो टॉप आया वो जीत गया, जो वो ठीक है और बाकी उससे रिजेक्ट हो गए। उसमें जज लोग बैठते हैं, जैसे कि 10 फिल्में अगर किसी भी अवार्ड शो में जाती है तो अवार्ड शो में पहले उसको ग्रहण करना कि हाँ ये नॉमिनेशन के लायक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर, मंदिर का एक ईंटा बनना ही सौभाग्य बात होता है। अब नॉमिनेशन में एक ही फिल्म को मिलेगा, तो जो फिल्म को मिला है वो हमारी डमरू से ज्यादा डिजर्व करता है। वो फिल्म है उड़िया फिल्म है, और उस उड़िया फिल्म की जो कहानी है वो एक गरीब बच्ची की कहानी है जो कैसे एक बहुत बड़ी धावक बनती है। तो जो नेशनल अवार्ड जिस फिल्म को मिला है उसके लिए मैं नेशनल पे जो भी उसके जजेस थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमसे बड़ी अच्छी बेटर फिल्म को उन्होंने दिया है। तो हम रिजेक्ट नहीं हुए हैं, हमसे ज्यादा अच्छी फिल्म किसने बनाई है उसको मिला है, हम वहाँ पहुंचे तो सही। हाँ, बस आपका ओपिनियन क्या है? क्या बोला आपको, मंदिर का एक ईटा बनना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। हमारी कोई भी रीजनल, हमारी भोजपुरी सिनेमा वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन डमरू पहुंची तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कम से कम उनके नजर में तो हम है, उनके उनके चाहत में तो है, उनके प्लेटफॉर्म पे तो हम पहुंचे, तो हमारे लिए खुशी की बात है जो हम वहां तक सफर को तय कर दिए। आज हम 10 में पहुंच गए तो हो सकता है कि कल हम नंबर 1 भी हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश है, उस लिस्ट में तो पहुंचे हम, उस लिस्ट में तो आए, उस लिस्ट में आना ही बड़ी बात है। तो बस आप लोगों को यही प्रमोट करना है कि अगर हमारी भोजपुरी की चीजें अगर कहीं जाती है तो उसको रिजेक्ट मत लिखिए, उसको बोलिए जी हमारी भाषा की चीजें वहां तक पहुंची, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रेस में एक आदमी जीत गया, इसका मतलब अगर हमारे ही लोग अगर उसको रिजेक्ट साबित करेंगे तो दुनिया क्यों नहीं रिजेक्ट करेगी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।